So, good afternoon all of you. Please have a seat. Prabhat Bhai. आगे कवर कर लीजिए, खाली पड़े हुए आप लोग के आगे कवर करने ज्यादा अच्छा है। So, dear students, yesterday we have discussed about some common characteristics of Kingdom Monera. उसी को आगे continue करते हैं। अभी लेके चलते हैं reproduction. उसके बाद में कुछ जो प्रोकैरियोट्स के टिपिकल मेंबर्स हैं उनको लेकर भी चलना है। इसमें बताया था कल आपको कि जो मोनेरा है उसको हम लोग टोटल मिला करके 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होंगे? आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, उसके अलावा उसमें लेकर चलते हैं साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटी, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया और एक यस माइकोप्लाज्मा। गुड। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपको वहां पर हम छोड़े थे अबाउट द रिप्रोडक्शन, है ना? और यहां हम लिख चले कि रिप्रोडक्शन के 3 मोड्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यस, इसके लिए मोस्ट प्रिफर्ड जो टेक्निक है दैट वुड बी द बाइनरी फिजन, और दूसरा बडिंग। इसके अलावा जो वीडियो चीज लिख चले बडिंग का कोई खास नहीं है, लेकिन हम जो लेके चलेंगे पर फ्रेगमेंटेशन, जो फिलामेंटस हैं, जो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या रहेगा? फ्रेगमेंटेशन। बड़ा पीस है, छोटे छोटे पीस टूट गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ओके, इसके बाद में लेके चलते हैं ए सेक्शुअल। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है। अच्छा, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बाकी बनता है कि गैमेट्स वगैरह बनते हैं, उसके अलावा और भी कोई करेक्टर है? सर, नहीं, दोनों डिफर है। हाँ, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर कोई स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। हाँ, डेफिनेटली। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग एसेक्सुअल के बारे में बात करेंगे तो देयर विल बी एनी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो मोरओवर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अलावा यहाँ पर एक काम और हो गया इसका, दैट वुड बी पेरिनेशन। पेरिनेशन मालूम क्या होता है? पेरिनेशन सिंपली मींस टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए दो तरह की कंडीशंस बनती हैं, एक उनके लिए जो सुटेबल हो और दूसरी जो उनके लिए सुटेबल नहीं हो। ओके, जो सुटेबल हो उनको हम लोग फेवरेबल कंडीशंस बोल देते हैं, और जो उनके लिए अगेंस्ट हो, एंटी हो, उनको हम लोग अनफेवरेबल कंडीशंस कह देते हैं। यस, सो दोज ऑल द टेक्निक्स, ऑल द डिवाइसेस व्हिच हेल्प इन पेरिनेशन इंक्लूडिंग द एसेंशियल स्पोर्ट्स, उसको अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बचाना किसी तरह से, ठीक है ना? तो यहाँ स्पेशली हम लोग जो बात करेंगे इसमें एक आता है एंडोस्पोर, जानते हैं ना? ओके, एंडोस्पोर जनरली रिप्रोडक्शन का टेक्निक है, एसेंशियल रिप्रोडक्शन का, लेकिन रिप्रोडक्शन से ज्यादा उसका जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए पेरिनेशन के है। होगा क्या, थिक वॉल्ड स्पोर डेवलप हो जाएगा और पूरे बैक्टीरिया में केवल मिलाकर के एक ही स्पोर डेवलप होगा, सिंगल स्पोर। सर हाँ बोलिए। सर मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टेक्निक है कॉमनली दैट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन से अलग हट करके, मतलब रिप्रोडक्शन तो है ही, साथ ही साथ दूसरी टेक्निक जो है वो किसकी है? पेरिनेशन की है। एक डिफरेंस क्यों लेके चले हम लोग? वो इसलिए लेके चलेंगे कि एंडोस्पोर के दौर में एक बैक्टीरिया में केवल एक ही स्पोर बना, मेरे पास समय है ना? और उससे क्या हुआ, एक बैक्टीरिया तो डेवलप होगा बाद में, अल्टीमेटली इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन तो हुआ नहीं, पास समय है ना? तो इसलिए मोर ओवर द रिप्रोडक्शन इट इज द टेक्निक ऑफ पेरिनेशन, ठीक है? अच्छा, बाकी जो अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे हम लोग उनमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनने के चलेंगे, कहीं नेक्रेडिया बनती हैं, कहीं हार्मोगोनिया बनती हैं, कहीं कुछ और स्ट्रक्चर बनेंगे, जब बीजीएम बनते हैं लोग,
बीजीए जो ग्रुप है आपका साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स बनकर के चलेंगे। यस हाँ जी हाँ, थिक वॉल जो उसका भी जर्मप्लाज्म है उसके ऊपर एक थिक वॉल लेयर बन जाएगी, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर। बाकी उसका भी आगे है कि मतलब उसमें जो लेयर्स होती है तीन अलग अलग में डिवाइड करते हैं हम लोग, आउटर की नेचर अलग होगी, मिडिल की अलग होगी, इंटर की अलग होगी, मिडिल लेयर काफी थिक होती है उसमें। ओके चलिए हम यहाँ बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, इसमें मैंने बताया था आपको हार्मोगोनिया। यस हार्मोगोनिया कहाँ बनेंगे, बीजीए में। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एकाइलिड्स, ओके ये भी कहाँ बनेंगे, बीजीए में बनेंगे, ठीक है ओके। बाकी कुछ और भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, जैसे आएगा तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात किया था हमने, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं बिकॉज व्हाट द न्यूक्लियस इज एब्सेंट हियर, न्यूक्लियस नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम उसको बोल देते हैं। लेकिन जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज यानी कि कुछ इंटरमिक्सिंग जरूर होगी। यहाँ पर क्या हुआ, जैसा जेनेटिक मटेरियल था इसके पास में वैसा ही बना रहेगा, जितनी भी ऑफस्प्रिंग बन जाए उसकी, जितनी भी जनरेशन बन जाए। लेकिन अगर उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो कुछ हद तक मिलता जुलता होगा किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है। ओके तो यहां पर हम इसको जो टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ओके और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की तीन टेक्निक्स हैं जो कल मैं बात कर भी रहा था, यहां पर छूट गया था टॉपिक, दैट इज द ट्रांसडक्शन, यस ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा कॉन्जुगेशन। हाँ बहुत ज्यादा मतलब की बात इसमें नहीं है, बस केवल इतना देखना है कि टेक्निक जो थी किसने फॉलोअप की थी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे। ट्रांसडक्शन याद रखिएगा, जब जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज मालूम है ना, बैक्टीरिया किलिंग वायरसेस, यस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। अच्छा यहां पर जो नाम है वो थोड़ा सा नोट कर लीजिए चाहे तो, दैट इज जिंडरबर्ग एंड जिंडरबर्ग, सॉरी क्या नाम उसका, जिंडर एंड जिंडरबर्ग, आई एम सॉरी, ट्रांसडक्शन द एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय जिंडर एंड जिंडरबर्ग ऑन साल्मोनेला बैक्टीरिया। ओके जिंडर एंड लिडरबर्ग ऑन साल्मोनेला, ठीक है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जेनेटिक्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं इसको। इट वाज डन बाय ग्रिफिथ, मालूम है ना ग्रिफिथ, किसके ऊपर किया था, ऑन डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया। ओके कंजुगेशन लीजिएगा, इट वाज लिडरबर्ग एंड टिटम, इनिशियली दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय लिडरबर्ग एंड टिटम, टिटम और भी पढ़ा है आपने जेनेटिक्स में, कहां पढ़ा है, बिडल एंड टिटम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस पढ़ा है, एक जीन से एक एंजाइम बनता है और आगे जाकर के एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, यानी एक तरह की पॉली चेन बन जाएगी प्रोटीन की। तो वो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है दैट इज प्रपोज बाय द लिडरबर्ग एंड द टिटम। हाँ यस हाँ हाँ बताइए सर, आप कह रहे थे सर जहाँ न्यूक्लियस नहीं होता वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे उसको हम लोग भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक बेस था वो यानी नया जेनेटिक मेकअप बन करके चलेगा, क्रोमोसोम चेंज या डीएनए की स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज होगी, ऐसी तो है ना, यहाँ भी वही काम हो रहा है। तो सेक्सुअल तो है लेकिन रिप्रोडक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग मान चलते हैं कि दो न्यूक्लियस का मिलना जरूरी है। सर अमीर वहाँ पर होता है नहीं, वहाँ कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको पहले दिन जब क्लास स्टार्ट की थी ऑन द 22nd ऑफ दिसंबर मैं बोला था कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, हर जगह वाद भरे पड़े, ठीक है ना। एनी हाउ वापस आते हैं, तो यहाँ पर एक चीज हो जाती है कंजुगेशन, आपने पढ़ा है कि लीडर बर्ग एंड टीटम ने
और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और अल्टीमेटली इट वाज डिस्क्राइब बाय फटाफट लिखें वॉलमैन एंड जैकब थोड़ा सा जल्दी लीजिएगा आज आपको दिन मिल गया है इसको खत्म कर रहे हम लोग अदरवाइज ये एक ही दिन में खत्म करने के लिए ठीक है ओके बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें और नॉर्मल में थोड़ा सा आइडिया ले ट्रांसलेक्शन में क्या है कि आप लोग आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में इसको डिटेल में पढ़ना है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इसको प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उसमें ये ट्रांसलेक्शन का एक्सपेरिमेंट लेकर के चलेंगे नॉर्मली क्या हुआ कि बैक्टीरिया है और इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया फाज आ गया ऐसे ही है ना और कल हम जो बात किए थे इसका जो ये लोग रहा क्या हुआ इसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व किया इसके अंदर भेज दिया और फिर जाकर के मैं बोलता हूँ तरफ बोले थी इपिसोम इपिसोम है ना जो जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मा प्लाज्मिक डीएनए जो जाकर के इसका पार्ट बन जाता है ऐसे ही ना अब यहाँ बन गया अब ये बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा तो नए जेनेटिक मेकअप के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो अलग बात है बाद में अगर उसको नुकसान ही होगा इससे जाकर के बहुत सारे बैक्टीरिया फाज ही बन जाएंगे इसको मतलब लाइसोजेनिक साइकिल से होता है इसका तो इसको डिजोल्व करके इसको फाड़ करके बहुत सारी प्रोटीन फ्री हो जाएगी अपने चारों तरफ अपना एक कैप्सिड बनाएगी और क्या बन जाएंगे बहुत सारे बैक्टीरिया फाज बन जाएंगे तो एक तरह से वायरस का जो मल्टीप्लीकेशन का टेक्निक है वो भी क्या है ट्रांसडक्शन भी है ओके यहाँ बात की थी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने ये प्रूव किया था कि भाई जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो और अगर मान लीजिए आपने पढ़ा था ना एक्सपेरिमेंट उसमें कि एस फॉर्म और दो फॉर्म थी ना उसकी ओके आर फॉर्म रेजिस्टेंस फॉर्म थी और एक स्मूथ वॉल फॉर्म थी ठीक है ना उसने क्या हुआ डिटेमिनेटेड यानी कि डेड उसको डाल दिया मीडियम को और फिर जो अब उसकी ससेप्टेबल फॉर्म थी उसके अंदर भी वो करेक्टर डेवलप हो गया ठीक है ना तो मतलब एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल मतलब डिफ्यूजन एक तरह से हो जाएगा उसका जेनेटिक मटेरियल का लिविंग होस्ट के अंदर ओके नेक्स्ट थिंग चले कॉन्जुगेशन में तो कॉन्जुगेशन के अंदर यहाँ एक चीज और भी आती है कि यहाँ सेक्सुअलिटी इन द बैक्टीरिया अगर वो पूछता है तब भी उसको कैसे प्रूव करेंगे कॉन्जुगेशन से करेंगे ठीक है ना कॉन्जुगेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो कल पढ़ रहे थे सेक्स पिलाई के बारे में तो सेक्स पिलाई बन जाते हैं और क्या हुआ कि इनके थ्रू जो है दो बैक्टीरिया पास पास आए और इनकी पिलाई से इनके बीच में क्या बन गया कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई ठीक है ना एंड थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब सम ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए गेट पास इन टू द अनदर डीएनए बात क्लियर है ना ओके अब यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं आप पढ़ेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया बताया मैं आपको कल ई कोलाई बैक्टीरिया जो है और इसके बारे में बताया था आपने कैसा है पेरिट्राइकस है चारों तरफ फ्लैजिला है उसी खास बात बैसिलस शेप का रॉड शेप है ओके फिर मैंने तीसरी बात बताई थी कि इट इज द इंडिकेटर ऑफ द सीवेज पॉल्यूशन इन द वाटर यस इंडेक्स भी बोल देते हैं कभी तो ये सब रहा तो मैंने क्या बताया कि यहाँ ई कोलाई में जो है दो तरह के स्ट्रेन मिलते हैं ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन और जिसके अंदर नॉर्मली पिलाई फॉर्म होती है उसको हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेन कर देते हैं बाद में इसी को हम लोग मेल मानना शुरू कर दिए हालांकि मेल फीमेल नहीं कह सकते हम लोग लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन तो कह सकते हैं और जिसके अंदर नहीं बनेंगे उसको हम लोग कहते हैं क्या नेगेटिव स्ट्रेन है यानी कि वो एक तरह से फीमेल की तरह से बिहेव कर रहा है जो इसको रिसीव कर रहा है मटेरियल क्लियर है ना तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सेक्स पिलाई वी कैन डिफरेंशिएट ई कोलाई इनटू द टू स्ट्रेन्स एज द पॉजिटिव स्ट्रेन एंड द नेगेटिव वन जी तुम्हारा बोले हाँ कैसे करके शुरू कर दीजिए ठीक है ओके तो ये कुछ कॉमन चीजें रही रिप्रोडक्शन के बारे में अब फटाफट हम लोग लेकर के चलते हैं जो ग्रुप्स हैं और बाकी बचे हुए फटाफट लेकर चलते हैं फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया ठीक है क्योंकि मैं चाह रहा था आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हैं उनको जरूर नोट कराऊं कॉमन चीजें तो आप लोग ट्वेल्थ वगैरह में पढ़ भी चुके हैं सो मोनेरा ओके बीजिए बीजीए के बारे में जितना हम लोग जान रहे हैं परमानेंट को बदल गया क्यों बदल गया परमानेंट में बताओ आओ उसका पता लगा पता ही कारण क्या है जी कॉलिंग है क्या हाँ प्लीज बताइए इसका रीजन क्या है बेसिकली ये मार्कर्स होते हैं इनमें अल्कोहल बेस रहता है मालूम है ना हल्का सा ये बड़ी तेज गंदा आता है होता क्या है कि मेरी गंदी आते मैं स्कूटर में डाल देता हूँ स्कूटर के अंदर जो सीट के नीचे उसका वो होता है ना वो क्या हीटअप हो जाता है तो हीट से क्या है इसके अंदर एल्कोहल तो तुम्हें वॉलेटाइल है तुरंत उड़ जाएगा ऐसे ही है ना तो इस वजह से जो है उसका इंक रह गया और बाकी उसका जो एल्कोहल था वो सारा विपराइज हो गया ऐसे ही है ना
चलिए गुड कपड़े से जी बहुत सारे नाम हैं, आप इसको बीजीए कह सकते हैं, आप इसको साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं। वैसे बेसिकली क्या है ये सर? प्लांट्स 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 तो है, चलो सारे बैक्टीरिया को हमने प्लांट मान लिया। इट इज एल्गी, नाम से मालूम आपको। ओके, इट इज मोर और लेस एल्गी, जो कैसा है प्रोकैरियोटिक नेचर का। सरकारी वाला यूज करेंगे। तो आपने बताया कि क्या है, प्रोकैरियोटिक एल्गी है। यस, बेसिकली इट इज रॉड शेप, यानी कि बैसिलस हुआ, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यस, माइकोप्लाज्मा पॉजिटिव। ठीक, इट इज बैसिलस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बात करें पिगमेंट्स के बारे में, कुछ बार बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लिटरेचर कुछ ज्यादा है। ठीक है ना, पिगमेंट्स के बारे में बात करें। देखिए एक और है, हम बात कर रहे हैं अमंग द क्लोरोफिल, विच क्लोरोफिल इज कॉस्मोपोलिटन, कौन सा क्लोरोफिल ऐसा है जो सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, जहां क्लोरोफिल मिल सकता है, एंड दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए यहां भी है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर फाइकोबिलिंग्स होते हैं, ठीक है ना, फाइकोबिलिंग्स आप लोगों को उधर भी पढ़ते हैं ना, बिलीरुबिन बाइलप्रोटीन से होती है। ओके, हां बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वगैरह जो पढ़ते हैं हम लोग, कहां से निकलती है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर से, कहां बनती है, गॉल ब्लैडर में, कहां बनती है गॉल ब्लैडर में, मैं जो कह दूं वो सच थोड़ी हो जाएगा। यस, लिवर में गॉल होती है, स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। गुड, चलिए अच्छा है, यहां लेके चल रहे लोग। तो आपने बताया यहां जो पिगमेंट्स होंगे, अमंग द पिगमेंट्स देयर विल बी क्लोरोफिल ए, बिसाइड दैट फाइकोबिलिंस। यस, इसके अलावा हम बात करें यहां पर दो तरह के पिगमेंट्स और लेके चलेंगे, दैट इज सी फाइकोसायनिन और सी फाइको एरिथ्रिन। ठीक है ना, एरिथ्रो जहां भी आता है कैसे कलर हुआ, रेड होगा, आपकी डब्ल्यू आरबीसी होती है ना, एरिथ्रोसाइट। ओके, और साइनो जहां हो गया वहां पर ब्लू हो गया, ऑब्वियसली इसके अंदर सबसे ज्यादा सी फाइकोसायनिन होगा, फिर क्लोरोफिल होगा, इसी की वजह से क्या हो गया, ब्लू कलर मिल गया उसको, और इसकी वजह से क्या मिल गया, ग्रीन कलर मिल गया, तो आपने कह दिया ब्लू ग्रीन अलगा पते है। बाकी जो हमारा डोमिनेंट पिगमेंट होगा यही होगा, बाकी आप लोग ये दोनों दो पिगमेंट पढ़ेंगे आप लोग कहां, क्लोरोफिल उसमें कौन सी एल्गी में, द सेम काइंड ऑफ द पिगमेंट्स आर फाउंड रोटोफाइसी, बस वहां पर सी की जगह पर क्या हो जाएगा, आर टाइप के मिल जाएंगे, आर फाइकोसाइनिन आर फाइको एरिथ्रिन। अब यहां पर आप एक चीज और कह सकते हैं, आप भी कहेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उन प्रोकैरियोट्स में अगर हम सोचें तो सबसे पहले कौन सी एल्गी डेवलप हुई होगी, ग्रीन एल्गी डेवलप हुई होगी या रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी या क्या, अल्टीमेटली पिगमेंट के हिसाब से तो हम लोग कहेंगे कि हाँ पहले जो है रेड एल्गी डेवलप हुई होगी। बात क्लियर है ना? यस, सेक्सुअलिटी के बेस पर बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पिगमेंट्स के बारे में हमने बात की, ये इसमें पिगमेंट्स होंगे। बाकी इसमें जो लेके चलते हैं, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा सिंपल सी बात है, साइनोफाइशियन स्टार्च होगा। ओके, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। बाकी और स्पेशल बात यह है कि इसमें और कई बार आता है क्वेश्चन कि रोडोफाइसी में एक सिमिलरिटी और होगी, बोथ ऑफ द ग्रुप डू नॉट हैविंग नो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। बात क्लियर है ना, कोई भी फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स नहीं बनेगी दोनों ग्रुप में, नॉन मोटाइल्स नहीं, ये खुद नॉन मोटाइल्स है, मतलब गैमेट्स भी नहीं बनेंगे इस तरह के। ठीक है ना, यहां तो बनने ही नहीं है, उधर भी हम लोग लेकर के चलेंगे तो वहां कोई कंडीशन है। क्लियर, चलिए
ओके बाकी एक और लेकर चले, जब आप लोग एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आप लोग लेकर चलते हैं कि एंशियंट जब एजोइक एरा था, एजोइक एरा पढ़ते हैं सबसे पहले 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, उसके बाद में क्या 3.5 बिलियन ईयर्स अगो यस जहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो लाइफ जब ओरिजिनेट हुई थी तो कैसा मीडियम था वो? एसिडिक मीडियम था मेनली। हम जो बात करेंगे मतलब क्या था कि वो रिडक्टिव एटमॉस्फेयर था, बाद में वो ऑक्सीडेटिव हुआ यानी ऑक्सीजन नहीं थी। तो वहां उसके बाद में मेजर रिवॉल्यूशन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। यस यानी कि धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट होना शुरू हुआ एंड दैट वाज ड्यू टू द पीजीए। आप लोग कहेंगे पीजीए हैव इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन यस ड्यूरिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्लियर ठीक है ना। चलिए अब यहां पर बाकी जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, आपने बताया कि नॉर्मल सी बात है प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी, कोई खास बात नहीं है इसमें। जो प्रोकैरियोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो यहां भी होंगे और जो नहीं होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा इसके बाद में आपने बताया था कि कुछ फॉर्म्स हैं जहां पर इनको मिलाकर के क्या हो जाएगा, एक ट्राइकोम बन जाएगा, सेल्स आपस में मिली हुई होगी। ऐसे होता है जैसे वो गर्ल्स पहनती है ना, नेकलेस पहनती है, बीच में मोटा सा किनारे पर पतला पतला होता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जैसे अबाउट द नॉस्टम, बहुत सिंपल टाइप की और टिपिकल टाइप का अगर बीजी हम लोग बात करेंगे तो दैट इज द नॉस्टम। और नॉर्मली ये जो ट्राइकोम हुआ इसमें क्या हुआ, आपका ये फिलामेंट हुआ और इसके ऊपर क्या होगा, म्यूसिलेजिनस शीट बन जाएगी। ऐसे होता है बहुत ज्यादा म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब यार सोचिएगा म्यूकस जो सीक्रेट करते हैं कौन सी उसमें क्लाइमेटिक जोन में करेंगे, मैं पूछ रहा हूँ, दो ऑप्शन दे रहा हूँ केवल आपको चार से कम, ट्रॉपिकल में या एल्पाइन में। एल्पाइन समझ रहे हैं बहुत ठंडा जो हुआ, यस ट्रॉपिकल एक तरह से गर्म हुआ, यस ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में या ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में नॉर्मली क्या होता है, बीजीए बहुत ज्यादा म्यूकस सीक्रेट करते हैं और आप जानते हैं अच्छी तरह से ड्यूरिंग द रेनी सीजन गार्डन बिकेम स्लिपरी, ठीक है ना। इनकी वजह से स्लिपरी हो जाएंगे, पैर फिसल जाएगा, छत वगैरह के ऊपर भी आपने देखा होगा बरसात में अगर लगातार बारिश बढ़ती रहती है तो गलती से आप छत में मस्ती करने लगे, कूद मचाने लगे, दौड़ने लगे, क्या होगा स्लिप हो जाते हैं, वो इसी की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि लाइट अच्छी पड़ती है गर्मियों में, कहीं तो बात है। अभी हम लोग एक बात करते हैं रेन फॉरेस्ट, इसी बीच अलग हट के हम लोग बात कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग डेविएट हो जाते हैं टॉपिक से। रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पर ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, मालूम है ना। अब बायोम्स पढ़ेंगे आगे ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ का सिलेबस आएगा आपके पास, तो वहाँ हम लोग बहुत तरह के बायोम्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ट्रॉपिकल में ग्रास लैंड पढ़ते हैं। तो ग्रास लैंड क्यों डेवलप हो जाते हैं उसका रीजन ये है, एक तो उस जगह पर नॉर्मली ग्रास लैंड जो होते हैं दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में रहते हैं, कैंसर और जो नीचे मौसम होता है कैप्रिकॉर्न बोलते हैं उसको, 2350 और 2350 के बीच में जो रहता है नॉर्मली उस एरिया में आपके ग्रास लैंड डेवलप होते हैं। रीजन उसका यही है कि बहुत ज़्यादा सन की रेज पड़ेगी और रेनफॉल भी अच्छा है वहाँ पर, आप क्लियर है ना। इस वजह से क्या है घासें डेवलप हो जाती है, आपने देखा हमारे बरसात का मौसम जो होता है घासें हो जाती है जी, आवाज हमारा बहुत बड़ा है तो क्लियर नहीं हो पाती। हाँ बरसात में तो मतलब सेम कंडीशन है, ये भी तो हॉट क्लाइमेट है ना, हमारा भी ट्रॉपिक्स में तो आता है सारा सारा, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे आपके साउथ की तरफ ट्रॉपिक्स बढ़ता चला जाएगा, मतलब डिग्री कम हो जाएगी लेकिन गर्मी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। और सिंपली रेनफॉल उसी जगह चलते हैं, हमारे तो वैसे इससे आगे ऊपर चलेंगे तो इससे ऊपर तो डेसिडियस फॉरेस्ट आना शुरू हो जाएंगे, पर्णपाती वन जो पत्तियाँ गिरा देते हैं, ऐसे तो होते हैं ना। ओके खैर अलग चीज़ है, फटाफट लौट करके आते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में थोड़ी स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी जिन्हें आप कल बता भी रहे थे, दीज आर कॉल्ड एज हेटरोसिस्ट, यस हेटरोसिस्ट, दीज आर कॉल्ड हेटरोसिस्ट। अब हेटरोसिस्ट तो मतलब डिफरेंट होंगी ना, नॉर्मल से बिल्कुल डिफरेंट है, तो अल्टीमेटली डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनके अंदर नॉर्मली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पिगमेंटेशन नहीं होगा, बाकी काम से अलग हटकर के बस इनका मेजर जो काम होगा दीज आर रिलेटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसे है ना। ओके अब हेटरोसिस्ट नॉर्मली किस में होंगी आपसे कभी कभी वो एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत सारे बीजीए है जिनमें से कुछ नॉर्मली आपको याद रखनी है, दैट इज नॉस्टम, यस एनाबीना, नहीं बिल्कुल नहीं ऑसिलेटोरी में नहीं होती है, मैं बताना चाहूंगा इसको, आप मान लीजिएगा इसके अंदर
नहीं होगी, ऑसिलेटोरिया इसके अंदर नहीं होगी। यस, बाकी हम लोग यहां लिख चाहे तो दैट इज द सेम लिंक ट्री ओस्पर्मम या ग्लियोट्रिक्स, बहुत सारी होती है लेकिन नॉर्मली इसमें आप इसको इसको इनको इन चार की जरूरत है, ठीक है ना, जिनके अंदर हेटेरोसिस्ट मिलती है। ओके, अब यहां इसका काम बताया मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यहां नॉस्टक वगैरह को लेकर चले तो आप कहेंगे इसमें कि सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस, अब सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा अब ये चीज पूछा था, जैसे खास तौर से हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, और असीरा इट इज वाइडली यूज इन राइस फील्ड्स, चावल की खेती आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इस इलाके में भी काफी होती है, तो आपको मालूम है कि जब धान रोकते हैं क्या पहले पानी भर देते हैं, क्या हो जाता है, रीजन क्या है उसका, बायोलॉजिकल एक रीजन हम लोग यहाँ बात करें, बाकी अलग बात है उसकी रिक्वायरमेंट है पानी की, लेकिन यहाँ पर यह रहेगा कि उसमें ज्यादा दिन तक पानी रुका रहेगा तो उसमें क्या सड़ान होना शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली उसके अंदर बीजीए डेवलप हो जाएंगे, बात क्लियर है ना, तो उसकी जो नाइट्रोजन कैपेसिटी है फील्ड की मिट्टी की वो क्या होगी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, बात क्लियर है, तो आपको फर्टिलिटी उसकी अपने आप की राइज अप होगी। एक नाम आपको और याद रखना है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो काम हुआ इस फील्ड में वो हुआ है बीएचयू, मालूम है एएमयू और इसकी सिस्टर बीएचयू बनारस। ओके, अब यहां पर आपको नाम याद रखना है प्रोफेसर आर एन सिंह, पूरा नाम है राम नगीना सिंह। यस, ओके, हिज वर्क इज टुवर्ड रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल, ऊसर मतलब बंजर बोलते हैं, बैरन लैंड। यस, जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप की इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इन सेवरल एकर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, नाम सुना होगा आपने, मतलब ये पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और जो ऊसर जमीन थी वहां पर उन्होंने बीजे डेवलप करके उस खेत की फर्टिलिटी बढ़ाई और आज उनके अंदर अच्छी क्रॉप हो रही है। यस, तो उसे ये पूछेगा द रिक्लेमेशन ऑफ द ऊसर सॉइल इज रिलेटेड विद प्रोफेसर आर एन सिंह या हेटेरोसिस या बीजे। ओके, एंड दैट इज ड्यू टू द this symbiotic ability of nitrogen fixation among the bg, clear, chalo nostocoin olocera ko aapne heterosis mein yaad rakha, ek yahan par ek aur lekar chalte hain, abhi aapne naam diya tha oscillatoria, jiske andar maine bataya tha heterosis to nahi banegi lekin iske andar neprenia wagaira zarur banenge is sexual reproduction ke liye, aur oscillatoria normally oscillatoria jaisa aap log artworm banate hain na, yes यहां क्या होगा, दो सेल्स के बीच में कभी कभी क्या है एक तरह की प्लेट्स बन जाती है, एंड दीज प्लेट्स आर कॉल्ड नेक्रीडियम, ठीक है ना, और इससे क्या होगा यहीं से ही सेपरेट आउट हो जाएगा, एक तरह से रिप्रोडक्शन का एक टेक्निक है जो उसके अंदर रहती है, नंबर एक। दूसरा, इसका नाम जो है ऑसिलेटोरिया रखा, ये जरूर किसी फिजिक्स वाले ने रखा होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, इट शोज ऑसिलेटिंग मूवमेंट, पतले ये ऑसिलेटिंग मूवमेंट शो करता रहेगा, क्लियर है। बीजीए में एक फिनोमेना और पढ़ेंगे आप लोग, दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिक एडप्टेशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं गैडुको फिनोमेना। यस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रोमेटिक एडप्टेशन। मायने ये होता है कि आप डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है, यानी कि डिफरेंट कलर की जो लाइट है उसको बढ़ा लेंगे और अपनी पर्सनल लाइट जो है दूसरे कलर की इमिट आउट करेंगे, बात क्लियर। ओके, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्रोमेटिक एडेप्टेशन, और यहाँ इसी से रिलेटेड आप ऐसा कह सकते हैं, आपने नाम सुना होगा रेड टी, रेड टाइड, रेड सी याद रखें केवल, ओके, रेड टाइड अलग चीज है, रेड सी अलग चीज है, रेड टाइड आप लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, जहाँ डायटम्स वगैरह पढ़ेंगे। ओके, मतलब पानी की समुद्र में लहरें आती रहती हैं, तो शाम के टाइम पर वो लहरें जो है उनका कलर जो है रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रेड सी जो है, इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीजी, नाम लिखने पड़ा उसका ट्राइकोजैस्मिन एरिथ्रियम, इस नाम इज ट्राइकोजैस्मिन स्पीशीज है एरिथ्रिकम, कभी कभी हम लोग क्या है इसके नाम से भी आइडिया लगा लेते हैं, तो एरिथ्रो आ गया, तो एरिथ्रो का मतलब कहना कि रेड से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। चलिए,
तो मैं आपको अभी गैडोकोम फिनोमेना बताया, क्रोमेटिक एडेप्टेशन के बारे में बताया, ओके। बाकी एक और चीज भी है कि बीजीए के अंदर और स्पेशली नॉट ओनली द बीजीए, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स मोनेरा के मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स के अंदर क्या रहेगा, एबिलिटी होगी कि हाई टेम्परेचर पर नॉर्मली सर्वाइव कर जाते हैं, यस। इसीलिए इनको थर्मोफिलस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम आएगी तो किसको आएगी, न्यूक्लियस को ही आएगा, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, बीजीए कैन सर्वाइव ऑन द हाई टेम्परेचर एंड दीज आर कॉल्ड एज थर्मोफिलस, थर्मोफिलस नेचर। आपने नाम सुना होगा मेस्टिकोक्लेडस वगैरह है, जो लगभग 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड में भी, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं, गर्म पानी के झरने होते हैं, उनके अंदर भी ग्रो करती है, ठीक है ना। तो दे आर थर्मोफिलस एल्गी, कौन सी हो जाएंगी, बीजीए। नहीं, रेड सी में तो इसमें जो पिगमेंटेशन है इस तरह का है, यहाँ बताया ना दो तरह का है सर, फाइकोसाइनिन और फाइकोएथिलीन वाला इशू है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मली कल्चर मीडियम में इस तरह का शो करेगा, ठीक है। लीजिए फटाफट, एक टर्म आती है साइनली, इन्हें लिख देते हैं, क्या होता है, साइनलीज आर बीजीए विच आर फाउंड एज इंटर एंडोसिम्बायोट इन केस ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है। जैसे हाइड्रा के अंदर नॉर्मली पढ़ते हैं, बट दैट इज नॉट द बीजीए, याद रखिएगा। आप लोग एंडोसिम्बायोट के तौर पर हाइड्रा में पढ़ते हैं एंडोजोइक एल्गी क्लोरेला, उसकी वजह से क्लोर हाइड्रा विरिडिस स्पीशीज हाइड्रा की, जो नॉर्मली ग्रीन कलर का रहता है, बट दैट इज ग्रीन एल्गी। लेकिन कुछ बीजीए जो होती हैं वो भी एंडोसिम्बायोट की तरह से रहती हैं, पतले है ना, और जब प्रोटिस्ट के केस में रहती है तो इनको क्या बोल देते हैं, साइनली बोल देते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए चलते हैं, अभी राइस फील्ड में बताया था मैंने आपको ऑलोसिरा और एक और ले टॉलिकोथ्रिक्स, ये बहुत ज्यादा चीजें आती हैं राइस फील्ड में, टॉलिकोथ्रिक्स, यस। एक आप लोग पढ़ते हैं एल्गल ब्लूम, वाटर ब्लूम्स बोल देते हैं इनको, चाहे दीज आर द वाटर या एल्गल ब्लूम्स। अब वैसे तो एल्गल ब्लूम के अंदर कुछ ग्रीन एल्गी भी होंगी, यस, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जो है इसके अंदर वो कौन होंगी, बीजीए होंगी। अल्टीमेटली होता ही है कि जल में सड़ाम होने लगेगी, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे उसमें, उसकी जो कंटेंट है ऑक्सीजन वो कम हो जाएगा, पतले रहेगा। अल्टीमेटली मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो म्यूकस निकाल रही चादर, बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। और आपने देखा कि पानी रुका हुआ है लगातार 15-20 दिन हो गए, तो उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी विस्कस नेचर मिल जाती है, हल्का सा गाढ़ा सा हो जाता है, ठीक है। कुछ पॉइजन सिग्नेट करती है, पॉइजन जो है बर्ड पॉइजन हो सकता है, फिश पॉइजन हो सकता है, नाम सुना होगा आपने एनाबीना फ्लॉस एक्वे, उनके नाम के आगे मोस्टली स्पीशीज में फ्लॉस एक्वे करके मिलेगा। तो एक स्पीशीज होती है एनाबीना फ्लॉस एक्वे, विच इज द मेजर पॉजिटिव एजेंट ऑफ एल्गल ब्लूम्स, है ना, ये वाटर ब्लूम्स। बिसाइड दैट वाटर ब्लूम्स कैन बी कॉज बाय द डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स एंड सम ग्रीन एल्गीज, ओके। चलो इसमें एग्जाम्पल लिख लें एल्गल ब्लूम्स में, दैट इज माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, दूसरी स्पीशीज लिखें एनाबीना फ्लॉस एक्वे, एनाबीना फ्लॉस एक्वे, एक लिखे ए फैनी मोजिटोन, ए फैनी मेजिटोन, जो भी ना होगा, ठीक है ना, ओके। तो ये सब के सब जो है और बीजीए हैं, जो कि वाटर ब्लूम्स के बनने में या एल्गल ब्लूम्स के बनने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है ए फ्लैजी जो भी नाम था टोन प्लस एक्वे करके, ठीक, ओके। बाकी मैं अभी आपको बता देता हूं रिक्लेमेशन ऑफ द ऊसर सॉइल बाय प्रोफेसर आर एन सिंह ऑफ बीएचयू, है ना, पर्टिकुलरली यूजिंग द नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ओके। राइस फील्ड में हम लोग पॉलीपोथ्रिक्स और ओलोसिरा को लेकर चले, एकाइनिक्स फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेक्निक है, ठीक। इसके अलावा आपने बताया यहाँ पर हार्मोगोनिया बन जाते हैं, हार्मोगोनिया भी बाइकॉन्वेव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, दिस लाइक स्ट्रक्चर्स जो सेपरेशन ऑफ द फिलामेंट में हेल्प करेंगे, बाइकॉन्वेव बन गए ना, अब दिख रहे हैं जैसे आप बताया, तो क्या बाइकॉन्केव प्लेट्स बन गई, एक तरह की डिस्क बन गई,
जो उसको सेपरेशन में हेल्प करेंगे, वो हर फिलामेंट आगे जर्मिनेट होकर के नया फिलामेंट बना देगा, ठीक है। इसके अलावा फाइनली हो गया रेड सी हो गया बीजीएम में, वैसे और कोई खास बात नहीं है। और एक और चीज लेके चले, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द प्रोटीन प्लांट्स में, अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स में प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स क्या है, कौन सी है, दाल है, नॉर्मली दाल है, दालों में भी सबसे बेस्ट जो है दैट इज सोयाबीन है, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ लेग्यूम्स, है ना, हैविंग कितनी परसेंटेज है, 43-45 के आसपास रहता है। हाँ यस भाई, किसमें होती है, किसने कहा, नहीं नहीं दोबारा चेक करना। अगर हम लोग बात करें बेस्ट अगर वो लेके चलें तो सोयाबीन है, एंड हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, और मुझे अभी तक याद है 43-45% के बीच में रहता है, ठीक है ना, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ लेग्यूम्स बोलते हैं। ऐसी याद है क्वीन ऑफ सीरियल्स, अनाजों की रानी, ना क्या बोलो, आपको दोबारा बोलो, अरे ग्राम किस, अगर मैं अनाज बात कर रहा हूँ, सीरियल्स, क्वीन ऑफ सीरियल्स, लॉजिक भी लगाइए सर, क्वीन कौन, जिसके सुनहरे से बाल, मेज, मक्का, पतले, बिकॉज ऑफ दैट हैविंग द कार्बोहाइड्रेट, तो नॉर्मली होगा ही होगा, प्रोटीन भी होता है और उसमें लाइसिन जैसे कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है, पतले है ना, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ मक्का कम होती है, बाकी आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज में अगर कुछ वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो गेहूं नहीं लेते। अब सोचने वाली बात है, अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन आप पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट यूनिट में, सेवन्थ या एट्थ यूनिट में, तो वहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप उनका नाम सुनेंगे, एमएस स्वामीनाथन, बात क्लियर है ना, उनसे पहले हमारे प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी गेहूं की, और अल्टीमेटली क्या होता था कि हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ जाता, और इम्पोर्ट जब करते थे तो सबसे ज़्यादा हम लोग यूएसएसआर वगैरह से खरीदते थे, रशिया वगैरह जो अमेरिका है या रशिया है इन जगहों से। अब सोचने वाली बात है, जबकि उनके यहाँ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, दिक्कत यह है कि वो तो उनके यहाँ कंजप्शन नहीं है, हम तो जो गेहूँ बना रहे हैं खाते में तो वो सबसे ज़्यादा हम ही हैं, सीरियल्स का, सीरियल्स में बात करें गेहूँ का, वीट का, सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो होगा वो इंडिया में रहता है, वो भी खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, बात क्लियर है ना, यस, उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी है, लेकिन अगर वो भी उसको कंज्यूम करने लगते, वहाँ बेसिकली रहता है, वहाँ पर मेज पर ज़्यादा फोकस रहता है, मक्के के ऊपर रहता है, आपने देखा है ब्रेकफास्ट में कॉर्न फ्लेक्स आते हैं ना, वो मक्के के ऊपर बना देते हैं उसके, जैसे सूखी रोटी हमारे बना देते हैं उसके पापड़ से, अल्टीमेटली उसको तोड़ करके पान दूध में भिगोकर उसको खाते हैं, आजकल तो इंडिया में भी काफ़ी आ रहा है ना। तो खैर, तो याद रखिएगा कि क्वीन ऑफ सीरियल्स जो बात की जाती है मक्का के लिए करते हैं, किंग ऑफ द लेग्यूम्स दैट इज द सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, ओके। चलिए अब यहाँ हम बात कर रहे थे, इससे भी ज़्यादा एक प्रोटीन का सोर्स है एंड दैट इज स्पाइरुलिना, यस, स्पाइरुलिना हैविंग मोर देन 70% ऑफ द प्रोटीन, स्पाइरुलिना है, एक और स्पीशीज स्पाइसिया है, ठीक है, सब यहीं से 73 से ऊपर ही होगा, ओके। चलिएगा, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे अबाउट, अरे फुलपा दूसरी का ना, उनका नाम था प्रोफेसर राम नगीना सिंह, ओके, बीएचयू में इकोलॉजी में काफी काम हुआ है, आप जानते होंगे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, अभी बीएचयू से याद आ गया, मैं पूछ रहा हूँ, अब आप कह सकते हैं कि वाला टॉपिक तो लास्ट में, अभी पहले टॉपिक चल रहा है, पहले ही यूनिट पे, बोले बोले प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, आर मिश्रा, ठीक है, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं अगला जो ग्रुप है दैट इज द माइक्रोप्लाज्मा, कुछ बहुत कॉमन है अबाउट द माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा है डिस्कवर्ड बाय द नॉकार्ड एंड rocks, yes, in pleural fluids of cattle, pleural fluid कौन सा हुआ, बोलिए pleura कहाँ होती है, ये आपके lungs होते हैं, ठीक है ना, lungs के ऊपर की जो covering होती है, जो membrane होती है, that is called as the pleura, yes,
प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये बात देखिए उसके अंदर जो फ्लूड रहता है नॉर्मली दैट इज कॉल्ड ए प्लूरल फ्लूड। ओके सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय द लॉग, ये नाम याद रखिएगा, कुछ ऐसा के बाद नोकार्ड एंड रॉक्स डिस्कवर किए थे माइकोप्लाज्मा को। यस एंड बेसिकली हम इसके बारे में बात करें तो कुछ कॉमन सी चीजें हैं उनको ले लेते हैं फटाफट, फिर डिजीज है बाकी कोई खास चीज नहीं है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे माइकोप्लाज्मा के बारे में, स्पेशल बात क्या थी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज PPLO, इसी वजह से कहने लगे इसको ड्यू टू द प्लूरल फ्लूइड। ओके तो प्लूरी निमोनिया लाइक निमोनिया जैसे सिम्टम्स पैदा कर रही थी, निमोनिया होता है ठंड लग जाती है जब लंग्स में पानी पड़ जाता है तो उसी तरह के सिम्टम्स शो कर रहा था, इसीलिए उसका नाम रख दिया प्लूरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यस बाकी आप लोग एक और चीज कहते हैं इट इज द बैक्टीरिया विदाउट सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और आप कह सकते हैं सेल वॉल नहीं है तो क्या समस्या आएगी, समस्या ये है कि ज्यादा खतरनाक है, कारण ये है जैसे हमारी पेनिसिलिन होती है ना, ओके पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली मालूम है ना आपको, 1945 मुझे याद नहीं होता, तो पेनिसिलिन जो है वो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करती है, तो जहां पर सेल वॉल ही नहीं तो कभी लोग क्या कर लोगे अल्टीमेटली। यहाँ पर क्या है बेसिकली इसका जो इफेक्ट रहता है आप लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स का जो टॉपिक आएगा आपका आगे, तो इसमें हम लेकर चलेंगे कि जो उसकी प्लाज्मा सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टाइड ग्लाइकोन्स वगैरह रहते हैं उनको डिसॉल्व आउट कर देगी, ठीक है ना। और यहाँ पर तो है ही नहीं इसीलिए इसका नॉर्मली इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। यस अच्छा आगे हम लोग बात कर रहे थे इसकी वजह से क्या है, इट इज प्लियोमॉर्फिक इन शेप, पहले बता देना प्लियोमॉर्फिक शेप, इसीलिए क्या नाम देते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, इट इज कॉल्ड अरे मैं फिल्म में करूँ ना बैक्टीरिया सारे सारे प्लांट किंगडम में आएंगे, मतलब फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि अब टेकर ने इसको अलग से रख दिया, कोफलैंड ने अलग से बना दी मोनेरा, ठीक है ना। कल मैं आपको ये चीज बता रहा था कि हमने इसको थैलोफाइटा में क्यों रखा है, और थैलोफाइटा में मोस्टली जितने भी मेंबर्स रखे गए सबको एक तरह से प्लांट्स कह दिया, ठीक है ना। ओके बाद में जो फाइव किंगडम सिस्टम्स आया उसको हमने सिक्स किंगडम दिया गया, उसे तो पता लगा इनको भी दो में फाट दिया अलग अलग, आपके बैक्टीरिया अलग कर दिया, ये बैक्टीरिया अलग कर दिया, खैर इसको कुल मिलाकर के जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। किसको, अरे बात नहीं जी बता रहा हूँ अमीबा है, सोचिए मुझे जरा अमीबा है कुछ, उसका कोई शेप है नहीं है, सिमेट्री है नहीं है, बना लो कहाँ से करो, आप ऐसे कट काटोगे तो ऐसा हो जाए, ऐसे काटोगे तो अलग तरह की शेप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी मैं आपको कल एक चीज़ बताया था आप भूल गए, मैंने आपसे बताया था ना कि एनिमल्स के अंदर स्केलेटन क्यों होता है, प्लांट्स के अंदर नॉर्मली हम मान के चले क्यों नहीं होता ड्यू टू द सेल वॉल, क्योंकि उसको एक एक्सोस्केलेटन की तरह से शेप प्रोवाइड करने का काम सेल वॉल करेगी। यस अब यहाँ पर कोई शेप इसकी खास है ही नहीं, प्लियोमॉर्फिक है तो अल्टीमेटली इसीलिए इसको नॉर्मली मान लिया, इसकी शक्ल सूरत बदलते हैं जो कर होता है सर्कसों में, आजकल तो डर के मारे कोई जा नहीं रहा है, अलीगढ़ में भी सर्कस लगा हुआ है, आज ही मैंने पोस्टर देखे थे, मैं बता रहा हूँ आजकल सर्कस वगैरह कोई नहीं जा रहा, तो सर्कस में एक जोकर होता था वो जरा सी देर में कपड़े चेंज कर करके आता रहता था, ओके कभी कैसे कपड़े पहना है कभी कैसे पहना है, तो उसमें इसका नाम रख दिया छोड़ो क्योंकि आप कैसे नहीं पहले, बेसिकली इसका जो रीजन है वो वही है कि इसकी प्लियोमॉर्फिक शेप है, इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जरूरी जो चीज़ है उसमें आइएगा फटाफट, इसमें दो नाम याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा नोवाक का, नोवाक यस नोवाक ने इसके लिए टर्म दिया थी MLO मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स, ओके यस मॉलिक्यूल मतलब क्यूट जो लगाते हैं बहुत छोटे के लिए लगाते हैं, ठीक है। एनी हाउ तो एक नया ग्रुप बनाया था, या आप चाहे इसको दोबारा नोट कर लें, नोवाक कॉल्ड माइकोप्लाज्मा एस MLO एंड फॉर्म अ न्यू ग्रुप माइकोप्लाज्मा, जिसमें माइकोप्लाज्मा जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो फटाफट ले लें नोवाक MLO यानी कि मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म मेक अ न्यू ग्रुप बाय द नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा, ओके। इससे पहले एक और नाम लेकर चले चाहे तो दैट इज बोरेल, एक साइंटिस्ट थे इससे पहले नाम था उनका बोरेल, जनरली पूछा नहीं जाता इसलिए मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूं, ओके। इन्होंने इसका एक अलग से ग्रुप बनाया था माइकोप्लाज्मा को जो नाम दिया उन्होंने दैट वाज द एस्ट्रोकॉकस, एस्ट्रो कहां आता है
एस्ट्रो का टर्म क्या रहता है? स्टार शेप, स्टार शेप स्ट्रक्चर कोई है स्टार के जैसी, तो उसको एस्ट्रो यूज कर देता है। आप क्लियर है? वेल जो भी रहा, तो मैं क्या बताया, बोरे ने इसको एस्ट्रोकोकस नाम दिया, बाद में नोवाक ने एक नया ग्रुप बनाया और अल्टीमेटली इसको माइकोटा का नाम दिया। माइकोटा नहीं, क्या नाम इसका, माइकोप्लाज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीजिए फटाफट। बाकी मैं बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो आपको शेप बनाना शुरू करेंगे तो नॉर्मली इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर, याद रखना इट इज ट्राइलैमिनर लाइपोप्रोटीनेशियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, बाकी इसके अंदर जो चीज होती है प्रोकैरियोटिक सेल में लगभग वही सारी होंगी। मतलब क्या हुआ, इसका जो है डीएनए मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा, वही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, डिसॉल्व आरएनए होगा इसके अंदर। ओके, और इसके अंदर एक स्पेशल याद रखना, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, हो सकता है लाइक उसमें उसको डिफाइन कर रखा हो, इनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज द एलिमेंटरी बॉडीज। यस, एंड दीज स्ट्रक्चर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आकाश का जो प्रैक्टिस का पेपर आता है उसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है। ओके, कि विच ऑर्गेनिज्म या विच मिनरल रिप्रोड्यूस थ्रू द एलिमेंट्री बॉडीज, इट इज माइकोप्लाज्मा। ओके, चलिए यस, बाकी और जो लेकर चले यहां पर, इट इज नॉन मोटाइल। बाकी बहुत जरूरी चीज, ड्यूरिंग द कल्चर मीडियम, ड्यूरिंग कल्चर इट फॉर्म्स फ्राइड एग लाइक कॉलोनी। ये टर्म याद रखना, एग लाइक कॉलोनी। ऑमलेट बनाते हैं आप लोग, खाते हैं, अच्छी बात है, बनाते भी होंगे, बनाते होंगे, आप देखते होंगे जब वो हल्का सा एग को फ्राई करते हैं तो उस पर जिस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो कल्चर में लगभग उस तरह की स्ट्रक्चर बना देगा। तो बस आपको ये याद रखना है, फ्राइड एग लाइक कॉलोनी ड्यूरिंग द कल्चर इज फॉर्म बाई द माइक्रोप्लाज्म। ओके, अच्छा एक और चीज न्यूट्रिशन को लेकर के चले, एज वेल एज द न्यूट्रिशन इज कंसर्न, यहां पर क्या होगा, बाकी तो आपको मालूम है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऐसे ही है ना। नेचर ऑफ फीडिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें सो इट इज सेप्रोट्रॉफ, यस, बट इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ओके, सैप्रोट्रॉफिक है तो यहां एक चीज हम लोग पहले लेकर के चलते हैं, इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एरोबिक इन एरोबिक इन नेचर। ठीक है, ग्राम नेगेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया। एक चीज मैं अभी आपको बताया था कि ये जो है इट इज रेजिस्टेंस टू, इट हैविंग एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, एंटीबायोटिक्स, सो इट हैविंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेनिसिलिन, कारण मैं बता चुका हूं, यस, बट सेंसिटिव टू एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, आप नोट कर लीजिए, ये जो मैं जो आपको बताई सारी सारी एंटीबायोटिक्स एक्टिनोमाइसिन का जो ग्रुप रहता है मोस्टली दीज आर मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। ओके, चलिए अब कुछ कॉमन डिजीज बहुत जरूरी है जिसको कि आपको याद रखना है, अक्सर इसमें से डिजीज ही पूछी जाती है या फिर वही पीपीएलओ वगैरह सब बातें थी, या कभी कभी ये रेयर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डिजीज, तो इसमें कुछ कॉमन जो आएंगी इसमें ले, इट इज विच इज रूम,
ऑफ लेग्यूम, मतलब क्या होता है भाई? आप लोग वो देखे वो एक सीरीज आई थी हैरी पॉटर, आपको बचपन में आई होगी, देखी होगी, नहीं देखी तो देखा करो। आप लोग वो सलमान खान की पिक्चर देखते रहोगे तो क्या होगा? मेरा मतलब यह, मैं इसलिए आपको रिमार्क दे रहा हूँ, या आपने कोई कॉमिक्स वगैरह जब देखते हैं ना, इंग्लिश के जो कॉमिक्स आते हैं, हमारे कॉमिक्स में तो हनुमान और ये सब बना देते हैं, शक्तिमान और कौन कौन से मान होते हैं, वहाँ आप दिखाते हैं ना चुड़ैल होती है, वो झाड़ू बैठ करके उड़ जाती है, अल्टीमेटली उसी से हाथ रखिएगा, विच इज माने चुड़ैल, ब्रूम माने झाड़ू, ओके, विच इज ब्रूम ऑफ द लेग्यूम, मतलब जो दालों की जो फसल रहती है, नॉर्मल उसकी पत्ती होती झड़ जाएगी, उसकी जो है सारी सारी ब्रांचेज जो है इस तरह करती हुई जाएगी जैसे कि झाड़ू बन गई उसकी, बात क्लियर है? तो याद रखिएगा स्पेशली पूछा था विच इज ब्रूम ऑफ द लेग्यूम इज कॉज बाई द माइक्रोप्लाज्मा, नाम कोई नहीं पूछेगा कौन सा वाली स्पीशीज है, ठीक है? ऐसे ही को याद रखिएगा, दैट इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बहुत इंपॉर्टेंट, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यस, बैंगन की पत्तियां छोटी छोटी सी रह जाएंगी। इसके अलावा इसमें एक और देख लीजिए, बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना, इट इज बंची टॉप ऑफ, सॉरी पपाया ले लीजिए, पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना उससे होगी क्या नाम है बैक्टीरिया, उससे वायरस से, ऐसे लीफ कर लो पपाया आती है, पपतिया की पत्ती आपने देखा हो कभी कभी जो है ऐसा करके इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पर, पूरी पूरी पत्ती जो है इस तरह करके इकट्ठा हो गया हो जैसे कि उसी गुड़ गई हो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लीफ कर लो पपाया, ओके, वो भी आपका वायरस की वजह से है। क्या तो मैं बताया आपको तीन मेजर डिजीज, इट इज विच इज ब्रूम ऑफ लेग्यूम, बहुत पूछा जाता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड बंची टॉप ऑफ पपाया, ठीक है? इसके अलावा और चाहे तो नोट कर लें, वैसे कहा पूछी नहीं जाती ज्यादा, इट इज एस्टर येलो, CSM phylloidi एंड सैंडल स्पाइक, सैंडल स्पाइक को अंडरलाइन कर दीजिए, सैंडल स्पाइक, चंदन जो है ओके उसके अंदर डिजीज होगी सैंडल स्पाइक। दूसरा मैंने बताया CSM phylloidi, CSM, CSM इंडिकम होता है जो है SEAS, CSM, SEASAM, phylloidi, PHYLLOIDY, और बाकी बताया मैंने आपको एस्टर येलो, ये कुछ कॉमन डिजीज है, लेकिन इनमें से ये तीन डिजीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? एनिमल्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो दो स्पेशल डिजीज याद रखिए, एक तो नॉर्मल वे में कैटल्स के अंदर केस होते हैं तो खराब लगते हैं, अमंग एनिमल्स प्ल्यूरी निमोनिया इन कैटल्स, यस, एंड ह्यूमन केस में ले इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स, जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती रहेगी। ह्यूमन में स्पेशली लेकर चले, इट इज इनफर्टिलिटी ऑफ मेल, इनफर्टिलिटी ऑफ मेल, मतलब मेल के केस में क्या है इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाएगी, जबकि फीमेल के केस में अबॉर्शन जैसे केसेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, एंड अबॉर्शन लाइक केसेस इन फीमेल, इनफर्टिलिटी वाले को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब सेक्सुअल डिजीज पढ़ेंगे और नेक्स्ट ईयर मतलब सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट जो आपकी आएगी पांचवें नंबर की सिक्स रिप्रोडक्शन वाले, उसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है वहां पर आप बहुत सारी एसटीडीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, एसटीडीज में माइक्रोप्लाज्मा से होने वाली जो डिजीज है इसको स्पेशली वहां पर हाईलाइट किया गया, ठीक। चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोप्लाज्मा, फटाफट लेकर चलते हैं एक और ग्रुप है, इट इज एक्टिनोमाइसिटीज, ये जितने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं नीट के लिए, ओके, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बड़े डीप जाते हैं, बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे क्या किंगडम प्लांट ही पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे, तो वहां इतने ज्यादा डीप नहीं है, क्लियर? आइए नेक्स्ट ग्रुप इज एक्टिनोमाइसिटीज, तो यहां नाम से क्लियर हो रहा है आपको ये क्या है बेसिकली, ठीक है, दीज आर प्रोकैरियोटिक फंगाई, भाई माइसिटीज है ना, माइसिटीज किसमें आता है फंगस में आता है, ओके, दीज आर प्रोकैरियोटिक फंगाई और कनेक्टिव लिंक बिटवीन फंगस एंड बैक्टीरिया,
कनेक्टिव लिंक बिटवीन फंगस एंड बैक्टीरिया। देखिए आप में से अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो कुछ बीच बीच में बताते रहिएगा, टर्म तो खैर इंग्लिश में लिखा जाना है, बाकी अगर कुछ चीज होता है कई बार फ्लो में आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बता दिया आपको यहाँ पर इसके बारे में, एक चीज बताया आपको कनेक्टिव लिंक बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द फंगस। यहां से मान के चलते हैं कि शायद फंगाई भी डेवलप रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक टाइप के बने होंगे उसके बाद में जो है ओसो क्या नाम है प्रोटिस्ट टाइप के बने होंगे उसके बाद में डेवलप हो गए होंगे। और यहां इनके लिए एक नाम और देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रे फंगाई। ठीक है, रे फंगाई इसलिए बोलते हैं कि कल्चर मीडियम में ये जो डेवलप होती है इस तरह से डेवलप होती है। क्लियर, ओके, लिखें दीज आर कॉल्ड एज रे फंगाई। As seen in culture medium. These are, आप इसमें कुछ जरूरी चीजें थे, branch, filamentous, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब तक तो हमने जो कुछ पढ़े हैं माइक्रोप्लाज्मा है और साइनोबैक्टीरिया, वो कहते थे ग्राम नेगेटिव थे। ठीक है ना, ये क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ब्रांच फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब फंगस में जो प्लांट बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीडियम। तो इनको क्या बोलते हैं, माइसीडियल फंगाई बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, माइसीलियम फंगस, हाँ मतलब फंगस का जो वैसे नहीं चीज़ आइफा होते हैं, आइफा की जो ग्रोथ होने शुरू होती है उन्हें हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी एक और चीज लेके चले हम लोग यहाँ पर, इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल हैविंग माइकोलिक एसिड, आप उसमें कनेक्ट करते हैं ये माइसीलियम से माइकोलिक एसिड बन गया होगा। ठीक है, तो सेल वॉल हैविंग माइकोलिक एसिड प्लस पेप्टाइडोग्लाइकॉन, वो तो कॉमन है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो होता ही नॉर्मली, माइकोलिक एसिड प्लस पेप्टाइडोग्लाइकॉन, यस, ये जो है दीज आर ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफिक जी लीजिए, फैकल्टेटिव एंड एरोब, फैकल्टेटिव एंड एरोब, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन रेस्पायर। अब मतलब की चीज पाइएगा फटाफट, तो यानी मोस्टली क्या हो गए, अब सेप्रोट्रॉफ है तो क्या है लिख लें, जनरली डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, और भी है बाकी जो अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक केस में बैक्टीरिया के अलावा एक्टिनोमाइसिटीज मेजर डिकम्पोजर के तौर पर होती है। आप चाहे इसका लिख लीजिएगा मेजर डिकम्पोजर्स, ओके इन सॉयल। एक बड़ा अच्छा सवाल मिला था, देखिए आप लोग शायद कहीं खेती से भी बिलोंग करते होंगे, तो बारिश पड़ने के बाद में किसान क्या खेत की प्लोइंग कर देता है, जुताई करेगा, ऐसे होता है ना, उसके बाद में मिट्टी में से एक अलग तरह की गंध आती है ना, तो लिखें मडी या सैंडी स्मेल, या इशेंस लग लीजिए आप, मुझे तो अच्छी लगती है, उसमें आपको बहुत बेकार लगती हो, कभी अभी देखा है ना, जैसे कूलर होता है कूलर में जब जैसे हम लोग उसको शुरू करते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है उसकी जो ग्रास होती है ना, ग्रास लगाते हैं पैड जो लगाते हैं साथ में, उनके साथ में डस्ट के पार्टिकल्स आकर के रुक जाते हैं मिट्टी के, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं पूरे की मिट्टी चुपकी जाएगी उसको, जैसे उसको स्टार्ट करेंगे तो मिट्टी एक साथ गीली होगी, और गीली होने के बाद में आपको बिल्कुल ऐसी खुशबू आएगी जैसे गढ़ा होता है ना मिट्टी का, उसमें से जो लेके चलते हैं होता है ना। चलिए, मतलब मैं इसीलिए कहना चाहूँ कि हो सकता है आपको बेकार लगे, मुझे तो अच्छी लगती है, ठीक, इसीलिए उसको बार बार बंद करके फिर थोड़ी बार छुपे चलाएंगे, फिर सूख जाएगा, फिर उसको गीला होगा। एनी वापस आते हैं लौट करके,
सैंडी स्मेल या मडी स्मेल फ्रॉम सॉइल आफ्टर प्लोइंग, नहीं ऑन प्लोइंग लिखना इसको, ऑन प्लोइंग आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ रेन, पहली बारिश के बाद। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, कंपटीशन का सीधा फंडा है कि जो चीज डाउट में है उसको आप तुरंत पूछ लीजिएगा, यहां नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे। अब तक आपने 2 साल निकाल दिए, स्कूल वाले मास्टर जी को छोड़ दिया, आप उनका दिमाग खाते तो समस्या कम आती, सवाल पूछने की आदत आ जाएगी, ठीक है। और कम से कम जहां आपको लगा कि हाँ मुझे सुनाई नहीं आया, समझ नहीं आया, तो सवाल पूछ, ठीक है। गवर्नमेंट का उद्देश्य भी यही है कि इस तरह से कुछ सपोर्ट मिल पाए आप लोगों को, बाकी तो मेन चीज आप ही को लेकर चल रहा है। मैं आपको बताया कि पहली बारिश के बाद में जब खेत की जुताई होती है उसके में मिट्टी में से गलत तरह की गंध आती है, ओके, दैट इज ड्यू टू द एक्टिनोमाइसिटीज, पढ़ा लिखे, इट इज ड्यू टू एक्टिनोमाइसिटीज विच सिक्रीट अ केमिकल जियोस्मीन, GEOSMIN, तो जियो का मतलब ही अर्थ हो गया, जियोस्मीन, जियोस्मीन नाम है इसका, GEOSMIN, ठीक है। मैं बस केवल दो एक मिनट का टाइम लूंगा बीच में। यू आर सो लकी कि आप लोग बहुत एलिमेंट्री क्लासेस से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिए, आप चाहे गांव में रह रहे हो, आजकल तो गांव में भी जो है सब गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वहां भी फर्स्ट क्लास से शुरू कर देते हैं इंग्लिश, ऐसे होता है ना। आई हैव रिमेंबर मेरे साथ में कुछ साथी ऐसे भी थे बेचारे, घर वालों ने पैसे वैसे कहीं से इकट्ठे किए, जो भी है कोचिंग वोचिंग कराया उन्होंने, और वो क्लास के अंदर बैठ करके, नहीं सॉरी ड्यूरिंग द BSc ग्रेजुएशन, और वो बेचारे बैठ करके टीचर इंग्लिश में बोल रहा है वो उसी को हिंदी में लिखते रहते थे, फिर बाद में आकर 3-4 बार पढ़ते थे तो समझते थे कि मतलब क्या है इसका, मतलब इनिशियली क्या रहता था उन लोग की इंग्लिश जो है वीक रहती थी बहुत ज़्यादा। आप समझ भी पा रहे हैं कि 6th क्लास से स्टार्ट करना शुरू किया और दड़ाधड़ बढ़ते हुए जो है 10th क्लास तक पूरे पूरी ग्रामर और सब कुछ आ जाती थी 9th क्लास में, तो 3 साल में ऐसा नहीं हो पाता था। तो 6th में तो ABCD सीखते थे, मालूम आपको अपने ज़्यादा आपके जो ग्रैंड फादर हो उनसे शायद पूछिएगा, आपके फादर अगर एज में मेरे से थोड़े ज़्यादा हैं तो उनसे पूछिएगा अगर वो किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, ओके, मुझे मालूम है आपको वो बोलते थे तो वो क्या लिखते थे आपको जैसे कि विटामिन ये सब तो है ही, अब वो जो भी बोल रहे हैं कि देश उसी से सीधा इस तरह करके लिखते रहते थे, ठीक है। खैर चलो अच्छा है, समय के साथ में सब चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं। मैं यहाँ पर आया तो ये कुछ कॉमन क्लियर हो गया। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ये कुछ कॉमन चीज़ें थी, इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछते हैं, है ना। तो लीजिए द टर्म एंटीबायोटिक्स गिवन बाई वॉक्समैन वॉक्समैन और इसको फादर ऑफ एंटीबायोटिक सर्जरी रूल बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं, फादर ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी या इम्यूनोलॉजी, नहीं सॉरी इम्यूनोलॉजी नहीं, एंटीबायोटिक्स, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स वॉक्समैन, WAKSMAN, यस। अच्छा बाय डेवलपिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, बाय डेवलपिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद रखिएगा फर्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है दैट इज पेनिसिलिन, ओके, जो फ्लेमिंग ने डेवलप की थी। उसके बाद में ये इन्होंने बहुत सारी तरह की एंटीबायोटिक्स डेवलप की थी और वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी, बट ये था कि पेनिसिलिन जो थी वो किससे निकली थी, फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम जो था, ग्राइवेंसेंस करके भी कोई है, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, लेकिन मेरा मतलब वो फंगस था एस्कोमाइसिटीज का, लेकिन यहाँ पर जो क्या था बैक्टीरिया से जो डेवलप की वो इन्होंने डेवलप की, ओके, नोबेल भी मिला था इनको शायद 1907 में जब भी मिला होगा, ओके, ठीक। अब लीजिए फटाफट, इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं उनके आप नाम लिख लीजिएगा किससे ऑब्टेन करते हैं। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम, आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, एक बार पूरा नाम लिख लें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्पीशीज है ग्राइसेंस, GRISENS, ओके, दूसरा लीजिएगा टेरामाइसिन,
टेरामाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। वैसे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन मतलब टेट्रासाइक्लिन भी दो तरह की होती है, इसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लिख लें इसको, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, स्पीशीज है स्ट्रेप्टोमाइसिन एस डॉट रेमोसस, आर ए एम ओ एस यू एस। एक और लीजिए एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन इसका तो नाम भी वही है एस डॉट यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्पीशीज है एरिथ्रिकस, एरिथ्रिकस। अच्छा मैं एक चीज मैं फिर आपको बता देना चाह रहा हूँ, और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं मतलब गांव के स्कूलों से या फिर हिंदी मीडियम के स्कूलों से हैं तो पहली चीज़ तो इस वजह ना बायोलॉजी में मैं आपको हमेशा यहाँ भी बताता रहता हूँ, स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, बस आपको साइंस क्लियर हो जाए ऑब्जेक्टिव में आप उसको पकड़ लें, बस उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बाद में जब आप पहुँच जाएंगे मेडिकल कॉलेज में वहाँ तो धीरे धीरे करके आप उसको सीख ही जाएंगे, बस क्लियर है ये चीज़ है। तो आप कह रहे थे अक्सर स्पेलिंग में मतलब क्या रहा, स्पेलिंग गलत ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसका साइंस क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ओके, और दूसरा एक बार बताया आपको, जब भी आप इसको रिवाइज करें तो फ्लो डायग्राम बनाकर भी चलते रहिएगा, और फ्लो डायग्राम में क्या है फटाफट बस आपने बस एस डॉट एरिथ्रोमाइसिन तो बस खाली डॉक्टर की तरह लिखना सीख लीजिएगा, बस ई आर लिख जाए उसके बाद में क्या है करानी क्या है आपको उस तरह से क्या है जल्दी से उसकी क्रैमिंग हो जाएगी, क्लियर ठीक है। लीजिए नेक्स्ट नोट करें, इट इज क्लोरामफेनिकोल, ये बहुत सारे ट्यूब्स वगैरह आप जो लगाते रहते हैं ना टीफकल वगैरह उनके अंदर रहता है क्लोरामफेनिकोल, फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली, एस डॉट वेनेजुएली, वेनेजुएला कंट्री है ना। नेक्स्ट लीजिए नियोमाइसिन, नियोमाइसिन अक्सर आपने देखा होगा अगर आपको स्टिचेज वगैरह लगे हैं टांके वगैरह लगे हैं तो डॉक्टर एक छोटी सी ट्यूब देता है, पहले वेलकम फार्मा की आती थी, अब हो सकता है कुछ और की भी आती हो नियोमाइसिन के नाम से। ओके, तो दैट इज नियोमाइसिन, नियो स्पिन के नाम से आती थी वो मेडिसिन, मतलब ट्यूब आता था छोटा सा साल्ट उसके अंदर नियोमाइसिन रहता है, बहुत बेस्ट है बड़ी जल्दी फिलिंग करती हो। हाँ, नियोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडरी, एफ आर ए डी आई ए ई, इसके अलावा एक वायोमाइसिन होती है, खैर कोई खास नहीं है छोड़ो इतना ज्यादा लिखने कोई मतलब नहीं है, हम अगले ग्रुप पर आते हैं। अच्छा एक नाम और याद रखिए यहाँ पर, मैं अभी आपको इसमें एक मेंबर बताया था दैट वाज फ्रैंकिया, फ्रैंकिया यस लिख लें, फ्रैंकिया इज अ एक्टिनोमाइसिटी बैक्टीरिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक, अब देखिए बहुत स्पेशल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू रूट नोड्यूल्स बट इन नॉन लेग्यूम प्लांट्स, इट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें क्योंकि सब चीज है ना, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है, रूट नोड्यूल्स भी है, यस, लेकिन क्या हुआ इट इज इन नॉन लेग्यूम प्लांट्स, क्लियर है ना। एग्जाम्पल याद रखें दैट इज कजुअरिनम, अब आपने इसका नाम लग रहा होगा देखा बहुत होगा प्लांट आपके एरिया में बहुत होता है, ये नॉर्मली जब गर्म की तरफ जाएंगे ना मथुरा है फिर राजस्थान है, ओके जीरोफिटिक प्लांट एक तरह का बड़ा सा होता है झाऊ बोलते हैं, ये नब्बे पार्क में काफी लगे हुए हैं ठीक है, झाऊ बोलते हैं वैसे कजुअरिनम है। पहले मैं बचपन में क्या इसको बिल्कुल देखने में ऐसा लगेगा चीड़ होता है ना पेड़, चीड़ का पेड़ देखा पाइनस, देखा देखने में लगभग ऐसा लगेगा लेकिन पाइनस की निडल्स लंबी लंबी होती है इसकी बहुत छोटी छोटी होती है, पहले मैं बचपन में यही सोचता था, तो जब सर पढ़ाते तो मैं एक बार बीच में क्रॉस क्वेश्चन किया जिम्नोस्पर्म में कि उन्होंने बताया कि ट्रॉपिकल एरिया यहाँ वहाँ में सर हमारे गाँव के पास भी होता है, बोले कहाँ खड़े हो जाएगा तुम कहाँ के बोले गढ़वाल के हो गए, मैंने गढ़वाल का नहीं कहीं और से हूँ मतलब मैं देखा था यहाँ पर, फिर बोले कि नहीं इस बात का भी जाओगे तो लेकर जाना ऐसा हो ही नहीं सकता वाली स्पीशीज, और गाँव में नहीं शहर में तो चलो लोग ग्रो कर लेते हैं ज़्यादा था ना नॉर्मली आपको पता लगा वो क्रिसमस ट्री उगाना शुरू कर दी घर में, लेकिन गांव में तो कोई नेचुरल चीज़ ग्रो करेगी ना, तो मैं जब उनके पास ले गया तो वो सब उसको देखते रहे बस ऐसे करके चश्मा उतार दो टीचर वाले, फिर बोले ये तो झाऊ है, झाऊ
हूँ मतलब फिर क्या मतलब कैजुअरिना है, फिर इसके आगे से फैमिली भी थी कैजुअरिना सी, एनी हाउ छोड़िए इसको। तो मैं क्या बताया, ये पूछा जाता है फ्रेंकिया इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू द रूट प्रोड्यूस बट इन नॉट लेग्यूम प्लांट्स। ओके फॉर एग्जाम्पल कैजुअरिना, और भी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन छोड़िए इसी को याद रखिए। अच्छा अब नेक्स्ट ग्रुप लेके चलते हैं, एक छोटा सा ग्रुप है, इट इज रिकेट्सिया। ओके रिकेट्सिया डिस्कवर्ड बाय द रिकेट्स, साइंटिस्ट थे उसका नाम ही रिकेट्स था। ओके डिस्कवर्ड बाय रिकेट्स इन अ ब्लड ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रॉकी माउंटेन फीवर। ओके रॉकी माउंटेन फीवर, पढ़े होंगे अपने सेवन क्लास में माउंटेन्स, नहीं रॉकी माउंटेन्स कहाँ पर है पढ़िए, बहुत तरह के माउंटेन्स पढ़े होंगे आपने। चलो खैर कोई बात नहीं, ज्योग्राफी की चीज़ है। और इसमें आप फटाफट लिख लें, दो पॉइंट्स लिख लें ज़्यादा नहीं। इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट बट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। एक पॉइंट और लिखें, इट कॉजेस क्यूब फीवर, बनाते ना क्वीन वाला क्यूब, इट कॉज क्यूब फीवर मेनली बाय कॉक्सिएल्ला। क्यूब फीवर बाय कॉक्सिएल्ला, यस जी टाइप का वगैरह बोलते हैं इसको, इसके सिम्टम वगैरह मैंने पढ़ा था। ठीक है चलिए एक और लीजिएगा, दैट इज क्लैमाइडिया। एक और ग्रुप था ना छोटा सा ग्रुप क्लैमाइडिया, और इसमें बताऊँ आपके तीन पॉइंट के अलावा चौथा याद ही नहीं करना आपको रिकेट्सिया में। ठीक है नेक्स्ट लीजिए, इट इज क्लैमाइडिया, क्लैमाइडिया लीजिए। इट इज ऑब्लिगेट इंट्रापेलुलर इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स। हाँ ऑब्लिगेट और दो टर्म आप लोग पढ़ते हैं अभी, इसको अभी आगे लेकर चलेंगे, ये माइक्रोब्स को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है पक्का, यस Strictly, किसी भी हालत में मर जाऊंगा लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा, यस। और फैकल्टी में जो होता है वो कहता है कि चलो भाई एडजस्ट कर लेते हैं, आप लोग उसको चाहे मुझे ऐसे कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है लेकिन अपने प्रैक्टिस के लिए आप याद रखते हैं कभी कभी, यस यानी कि कभी कभी अपना नेचर चेंज कर लेगा। अगर मैं कहता हूं फैकल्टेटिव एरोब, इसका मतलब वास्तव में वो एनएरोब है, ध्यान रखना मैं फिर बता रहा हूं आपको। अगर मैं कहता हूं फैकल्टेटिव एनएरोब, तो इसका मतलब चलो ठीक है फैकल्टेटिव एनएरोब है, इसका मतलब वास्तव में वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, कभी कभी क्या होता है एनएरोबिक हो जाता है, समझ रहे ना। हम लोग बात करें फैकल्टेटिव एरोब, एग्जाम्पल एस्केरिस होता है ना, आपकी बॉडी में है एनएरोबिक है, अल्टीमेटली जब कभी बॉडी से बाहर आता है तो थोड़े टाइम तक सर्वाइव करता है लेकिन थोड़े टाइम तक ही कर लेगा, ये नहीं कि हमेशा करता रहेगा। ऐसे ही आप लोग लेके चलते हैं, मतलब ये फैकल्टेटिव टर्म आपको दो जगह मिलेगी, एक तो रेस्पिरेशन की कैसे मिलेगी कि एरोबिक है कि एनारोबिक है, स्ट्रिक्टली है ऑब्लिगेट है या किस तरह का है। जैसे हम लोग हुए नॉर्मली हम क्या हैं ऑब्लिगेट एरोब, हमारी मसल्स लेकिन समझ लेना फैकल्टेटिव है बहुत कम टाइम के लिए, कभी कभी वो बन जाता है ना मायोग्लोबिन वगैरह बन जाते हैं। ठीक है खैर दूसरा हम लोग जो इसको पढ़ेंगे वो लेके चलेंगे जब हम लोग बात करेंगे कि भाई ये इसका ट्रॉफिक लेवल पैरासिटिक है कि सेप्रोफिटिक है। कुछ पैरासाइट्स भी
फॉर सम टाइम सेप्रोफिटिक नेचर में ग्रो कर लेते हैं। और इसी तरह से उल्टा लेके चले, जैसे हम लोग बात करें वो होता है आपका राइजोपस ब्रेड मोल्ड, नॉर्मली सेप्रोफिटिक है, डबल रोटी वगैरह पर जो सड़ रही है उसके ऊपर ग्रो कर गया, बट समटाइम्स इट मे बी पैरासिटिक। यस, ऐसे एस्परजिलस भी क्या है, सेप्रोफिटिक है बट समटाइम्स फंगल टीवी डेवलप कर देगा, सांस के साथ अंदर चला गया और लंग्स के अंदर थोड़े टाइम के लिए डेवलप हो गया और क्या होगा, डिजीज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये दो जगह हम लोग टर्म यूज करेंगे, कहाँ पर, इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन, और दूसरा हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन में, यानी कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी कि पैरासाइट है या सेप्रोफिटिक। क्लियर है ना? चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, क्लैमाइडिया के बारे में। नोट करें, इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना। दूसरा, इसके लिए बोलते हैं एनर्जी पैरासाइट, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एनर्जी पैरासाइट बिकॉज इट डज नॉट हैविंग इट्स ओन एटीपी सिस्टम। अब यहां पर इसकी सिमिलरिटी किससे हो गई, वायरस से। दूसरा, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एटीपी जनरेटिंग सिस्टम, अपना कोई सिस्टम नहीं है इसका। सो इट टेक एनर्जी फ्रॉम होस्ट। यस, और नोट करें, इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द एलिमेंट्री बॉडीज, इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू एलिमेंट्री बॉडीज। अच्छा, अब इसमें दो तीन डिजीज लिख लें, एक स्पेशी लिखें ट्राइकोमोंटिस लिख लें, कॉज ट्रैकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस जानते हैं, आंखें आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, गांव में बोलते हैं आंखें आ गई, कंजक्टिवाइटिस। जहां भी बायोलॉजी में या हमारी पैथोलॉजी में आइटिस लगा हो लास्ट में, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का मतलब रेडनेस भी हो सकता है, हल्की सी खुजली भी हो सकती है। ओके, तो अगर वो कह रहा है कंजक्टिवाइटिस मींस अपनी आई की जो कंजक्टिवा है उसके अंदर क्या है, इन्फ्लेमेशन होगी, आप आंखें रगड़ेंगे, अल्टीमेटली फिर आपको क्या है, रेडनेस हो जाएगी, और फिर उसको सेव करने के लिए बहुत सारा सिक्रीशंस डेवलप होंगे आपके से। तो क्या लिखा आपने, मेजरली मैंने दो डिजीज बताई आई की, इट इज ट्रैकोमा और दूसरा बताया कंजक्टिवाइटिस। यस, एक और नोट करें, साइटेकोसिस, पी से बनेगा, PSI, साइटेकोसिस ब्रैकेट में लिख लें, इट इज सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा, जुकाम की जैसा है, सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा बट कॉज बाय क्लैमाइडिया, स्पीशीज लिखें साइटेसी, PSI, क्लैमाइडिया साइटेसी, PSI, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लैमाइडोमाइन, क्या नाम इसका, क्लैमाइडिया। ओके, इसके बाद में ओके, फटाफट वर्बली समझ लेते हैं, एक आपका होता है आर्किबैक्टीरिया ग्रुप, नेक्स्ट लीजिए आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, तो इट इज लिखे, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया,
एंशियंट, वही बात है प्रिमिटिव एंशियंट की बात हुई। नेक्स्ट लिखे दीज आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, एज ग्रो इन प्रिमिटिव एटमोस्फेयर, आदि काल का जो एटमोस्फेयर था, वही जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आज से 3.5 खरब साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, उस तरह के एटमोस्फेयर में अभी भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ले हमरे बहुत ज्यादा पुराने हो गए, बहुत ज्यादा, हाँ वो अलग अलग से ऐसे ही करो आप, उसमें थर्मोफिलस भी होती है और किसी तरह से आपका टीम्स पे नॉर्मली ग्रुप्स हैं इसके, पढ़ा लेते हैं, 10 मिनट बच्चे हमारे पास में, आज खत्म करना है इसको। यस हाँ, मैं अभी बताया ना लिविंग फॉसिल्स, बिकॉज दे हैविंग, पढ़ा ले, दे हैविंग डीएनए विथ इंट्रॉन्स, डीएनए विथ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स मालूम आपको, डीएनए के अंदर दो तरह के होते हैं ना, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स पढ़ते होंगे आप लोग, फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन एंड द नॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन, इस तरह के देख सकते हैं। खैर मैंने बताया डीएनए विद इंट्रॉन्स कॉमा राइबोसोम्स, एंड ग्रो इन एसिडिक नेचर, नेक्स्ट में दीज आर डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, दीज आर डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल वॉल कंपोजिशन, इन सेल वॉल कंपोजिशन, इसी में कंटिन्यू करें, इट्स सेल वॉल इज विदाउट पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स, विदाउट पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स and having pseudomuramic acid, pseudomuramic acid, bracket में लिख लें इसके, pseudomuramic acid के लिख लें, it having an acetyl glucosamine, having an acetyl glucosamine instead of NaM. Break close. Next is for what? Instead of NaM. Next man. It's a cell membrane. It's cell membrane having branch chain of lipids. इसको मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हुई, इट्स सेल मेम्ब्रेन हैविंग ब्रांच चेन ऑफ लिपिड्स ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक मीडियम, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक पीएच। अब इसके तीन ग्रुप्स हैं, एसिडिक, एसिडिक मीडियम मतलब तीन ग्रुप्स हैं, पढ़ा लिखे मिथेनोजेंस, नंबर वन मिथेनोजेंस, नाम से क्लियर हो रहा है आपको, तो इसमें ले प्रोडक्शन ऑफ मिथेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल अल्कोहल एंड कार्बोनिक एसिड, नहीं सॉरी फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड मिथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड, यस एग्जांपल लिख लें, इन सब के नाम के आगे आपको मालूम है मिथेनोकोकस लगा रहता है, मिथेनोन लगा रहता है, ठीक है, जैसे मिथेनोकोकस, मिथेनोबैसिलस,
मिथेनो स्पाइरिलम, मिथेनो सार्सिना, दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ नेक्वांटिकिन, दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस प्लांट या फ्यूल गैस या मार्श गैस एंड फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज इन र्यूमन ऑफ कैटल्स। आपको मालूम है ना कि कैटल्स होते हैं, आपके स्टोमक जो है बेसिकली उसके तीन पार्ट्स हैं, कार्डिक फिल्टिक पाइलोरिक पार्ट, ऐसी तो है ना। हमारा जो स्टोमक होता है नॉर्मली इसको आप जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसी होता है ना, फंडस जो है उसी को नॉर्मली बॉडी कहते हैं। तो मैं क्या बताया आपको कि जो कैटल्स होते हैं उनका जो खासतौर से रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट जुगाली करने वाले गाय भैंस बकरी वगैरह जो हुए जो जुगाली करते रहते हैं, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नॉर्मली कर लेते हैं, तो उनके क्या है स्टोमक के चार पार्ट्स होते हैं, जब आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसको, ओमेसम, एबोमेसम, र्यूमन और रेटिकुलम। नहीं क्रम बदले, ईमेसम, एबोमेसम, नहीं ए ओ, हाँ ईमेसम, एबोमेसम, देन र्यूमन और लास्ट में रेटिकुलम। र्यूमन पार्ट जो होता है इसका नॉर्मली, र्यूमन पार्ट के अंदर क्या होता है फर्मेंटेशन होता है, जो खाना जो है जाकर के र्यूमन में पहुंच जाएगा, वहां सड़ेगा अच्छी तरह से, उसके बाद में वापस लौट करके आएगा, फिर उसको मेस्टिगेट बैठे बैठे जुगाली करेंगे उसकी, फिर वापस चला जाएगा, फिर लास्ट में कहाँ रेटिकुलम पार्ट होता है वो निगाह के पास होता है। क्लियर? तो मेरा मतलब ये हुआ कि वहाँ जो र्यूमन पार्ट है, र्यूमन की वजह से इनको र्यूमिनेंट कह देते हैं, तो र्यूमन पार्ट में क्या होता है कि इसमें फर्मेंटेशन होता रहता है, ठीक है। इसीलिए नॉर्मल में मैं मतलब मैं ये नहीं करूँ कि बाकी की में खुशबू आती है, लेकिन नॉर्मली जो कैटल्स होते हैं इनमें से जो है अलग तरह की गंध आती रहती है, गोबर में से मानिएगा या वैसे करके रिलीज कर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पेशली मिथोजन मिथेनोजेंस होते हैं जो इसमें जो है फर्मेंटेशन का करेंगे। दूसरा एक और चीज यहाँ हम वो लेकर चलेंगे, कभी आपने देखा मार्श गैस, मार्श गैस का मतलब इसमें अभी आपको एक टर्म यूज किया था मैंने, फॉसिल गैस। फॉसिल गैस मतलब कोई भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म है वो अंदर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, यस। और जब सड़ेगा तो क्या वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो अल्टीमेटली उसमें से कोई ना कोई लिक्विड या गैस रिलीज होगी, ठीक है। आपने देखा है कि वो कुएं में मजदूर उतरे और बेहोश हो गए मर गए, तो जो जहरीली गैस निकलती है वो जहरीली गैस कुछ नहीं होती, मिथेन वगैरह ही होती है, ठीक है ना। उस कंडीशन में अगर वहां पर माचिस लगा दें तो डेफिनेटली वो जलना भी शुरू हो जाएगी, ठीक। दूसरा मतलब डेफिनेटली बात है कि आसपास या तो कोई जानवर वगैरह मार के दबा दिया हो ज्यादा गहराई में, या फिर पहले बहुत सारे कोई इस तरह का लिविंग मटेरियल वहां पर पड़ा हुआ होगा, पेड़ पौधे या कचरा वचरा सड़ा करके दबा दिया होगा, नीचे उसमें मिट्टी डाल दी तो गैस को निकलने के लिए जगह भी मिल नहीं पा रही। उन्होंने कुएं की खुदाई की, अब ट्यूबवेल अगर हम खोदते हैं, ट्यूबवेल के लिए गड्ढा खोदते हैं ना पहले, तो नॉर्मली उस गड्ढे वगैरह खुदाई की आपने, कहीं से उसको जगह रास्ता मिल गया तो वहीं से वो गैस लीक होकर उसमें इकट्ठी हो गई। ऐसे ही जो आपका अल्पाइन एरिया है वहां क्या रहता है कि बर्फ की चादर बन जाती है नदी के ऊपर, होता है ना, ओके। और नीचे कहीं अगर पानी रुका हुआ है वहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है नीचे की तरफ, वो सड़ता रहेगा उसमें से, और फिर क्या होगा कहीं से भी, अभी आप डिस्कवरी वगैरह टाइम मिला कर दिखा दीजिए, तो नॉर्मली उसमें से क्या है कहीं से भी जगह जो निकलेगी तो वहां पर क्या है एक साथ गैस निकलती रहती है बाहर, ठीक। वहां पर अगर माचिस लगा देंगे तो जलना भी शुरू हो जाएगी क्योंकि बर्फ की वजह से प्रेशर पड़ा नीचे की तरफ, ठीक है ना। नीचे जो है मिथेनोजेंस वगैरह बैक्टीरिया जो काम कर रहा है उसको सड़ा रहे हैं। खैर दूसरा लीजिए फटाफट, इट इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलो जहां भी टर्म आती है तो हेलो का मतलब होता है साल्ट, साल्ट रिच, ओके। हेलोफाइल्स दीज ग्रो इन साल्ट रिच कंसंट्रेशन, नॉर्मली दीज आर कोकॉइड फॉर्म, कोकॉइड स्फेरिकल है एंड ग्राम नेगेटिव, दे यूज बैक्टीरियो रोडोक्सिन फॉर एटीपी फॉर्मेशन, दे यूज बैक्टीरियो रोडोक्सिन फॉर एटीपी प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। बैक्टीरियो रोडोक्सिन पिगमेंट है, हमारी आंखों में तो होता है रोडोक्सिन, मालूम है ना,
रेटिना जो होती है दो तरह के पिगमेंट बनते हैं, दो तरह की सेल्स होती है रेटिना में, कौन सेल्स और रॉड सेल्स। रॉड में रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है, होता है ना, जिससे क्या हुआ नॉर्मली नाइट ब्लाइंडनेस पड़ा है, विटामिन ए A1 ओके A2 भी होता है, बताएंगे। चलिए फिर एग्जांपल लिख लें, नॉर्मली हेलिकोकस हेलोबैक्टर जरूरी चीज लिखें, दीज आर नॉट डी प्लाज्मोलाइज्ड, द हेलोफाइल्स आर नॉट डी प्लाज्मोलाइज्ड। डी प्लाज्मोलाइज्ड मालूम है ना आपको, ऑस्मोसिस पढ़ा आपने, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा ना, कंसंट्रेशन के बेस पर वाटर का मूवमेंट होगा, चाहे अंदर जाए चाहे बाहर जाए। वो आपने अचार लिया, अचार को डाल दिया नमक के घोल में गाढ़े से, तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी था उसे बाहर खींच लिया। तो आप बात करेंगे जब ये साल्ट रिच कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं तो इनकी बॉडी क्यों नहीं सिकुड़ रही है भाई, अचार खराब नहीं हो रहा है। आप चाहे अचार तेल में डाल दीजिएगा, पैसे हैं और नहीं पैसे तो आप नमक का घोल बना के डाल दीजिएगा, बात की खराब नहीं होगा कभी भी होता है। तो अल्टीमेटली बात ये आती है कि भाई यहाँ पर एक्वाटिक रीडियम में सबसे खराब पानी कहाँ का है, डेड सी, मालूम है ना, डेड सी मृत सागर, ओके, बहुत ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन है, इतना साल्ट कंसंट्रेशन है कि उसको अगर आप लेट जाएंगे तो आप रुकेंगे नहीं, मालूम है ना, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। खैर छोड़ो उस बात को, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर डी प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा बिकॉज देयर बॉडी हैविंग KCl, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द KCl, इनके अंदर खुद ही पोटेशियम क्लोराइड है, तो अल्टीमेटली बाहर वाले पानी से कोई खास बात नहीं पड़ेगा, उसमें साल्ट कितना है। लिख लें, दीज आर नॉट डी प्लाज्मोलाइज्ड बिकॉज दे हैविंग KCl इन देयर बॉडी। और लास्ट लीजिए थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स अभी हमने बताया था आपको, थर्मो माने टेम्परेचर, एसिडो माने एसिडिक नेचर, ओके, तो ग्रो इन हाई टेम्परेचर वाटर, ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यस, दे कन्वर्ट मतलब दे ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, दे ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, कीमोसिंथेटिक इन नेचर, एग्जाम्पल थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्लियस, ओके। बाकी इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आप नॉर्मली देख लीजिएगा डिजीज वगैरह जो होता है, ठीक है ना, डिजीज आप स्पेशली वहां भी पढ़ेंगे, कहां पर, पैथोलॉजी वाले टॉपिक में। यहां मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, प्लांट डिजीज आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बैक्टीरिया से होने वाली 4-5 प्लांट डिजीज है, स्पेशली यूबैक्टीरिया से, नोट करना फटाफट। इट इज सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर बहुत पूछा जाता है, कैंकर कैंसर नहीं, याद रखना कैंकर। नॉर्मली आप बाजार से नींबू खरीद कर आते हैं ना, एक ने महंगा दिया और दूसरे ने सस्ता दे दिया, लेकिन कताई पे तो थोड़ा सा स्पॉट लग गया, वो कताई नहीं तो पत्ती का दाग लग गया, सब कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड एज सिट्रस कैंकर। वुडी पैचेस बन जाते हैं फ्रूट के ऊपर, पत्ते हैं ना, नॉर्मली लीव्स वगैरह भी बनेंगे, एंड दिस डिजीज कॉल्ड सिट्रस कैंकर कॉज बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई। फटाफट नोट करें, ज़ैंथोमोनास सिट्राई बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में एक और लीजिएगा, क्राउन गॉल, क्राउन गॉल, चीटी डबल गॉल मतलब गांठें बन जाएंगी छोटी छोटी सी, दूसरा लिखिए क्राउन गॉल, चीटी डबल, ब्रैकेट में लिखिए ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया, ट्यूमर इन प्लांट्स। आपने देखा कुछ प्लांट्स के अंदर गांठें बनी रहती है बहुत बड़ी बड़ी, वो आगे बढ़े ट्री बन जाएंगे, लेकिन गांठें जो है और बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया TIG बोलते हैं उसको, अलग से जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे आप आगे, बायोटेक्नोलॉजी उसमें बहुत आएगा। एग्जाम्पल लिखें, इट इज बैसिलस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इसको ATG बोलते हैं, ट्यूमिफेशियंस। नेक्स्ट लीजिए बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस कॉज बाय ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी, ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी,
मैं केवल आपको वही बताऊंगा जो नॉर्मली पूछी गई है या पूछी जाती है, ठीक है ना। ओराइजी, ओराइजा मालूम है ना, ओराइजा सटाइवा किसका नाम है, अरे जो आपके चावल है उसी का तो नाम है, राइस का, ओराइजा सटाइवा है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट लीजिए फटाफट। तुंडू डिजीज ऑफ तुंडू, TUNDU, जो तुंडू बोले तुंडू बोले जो लिखे आप, तुंडू ऑफ वीट, इट इज कॉर्नी बैक्टीरियम क्रिटिसाई। आप पुराने पेपर्स करना शुरू करेंगे बहुत मिलेंगे क्वेश्चंस। कॉर्नी बैक्टीरियम क्रिटिसाई, ओके। बाकी तो कोई खास नहीं है, बाकी एनिमल डिजीज है और फटाफट STD और नोट कर ले, दो तीन पैथोजन आप अपने आप ढूंढ करके लिखेंगे, ठीक है ना। लिखिए STDs, इसमें एक तो आप लिखिए वही गोनोरिया, गोनोरिया नेसेरिया गोनोरिया करके नाम है इसका। दूसरा लिखिएगा इट इज सिफिलिस, कल भी बताया था मैंने आपको ट्रेपनिमा पैलिडम, ओके फीमेल्स में जाता है ट्रेपनिमा पैलिडम। एक और लिखिएगा वेजाइनाइटिस, वेजाइनाइटिस तो फीमेल्स में जो जेनेटेलिया है उसके अंदर क्या है, खुजली सी इन्फ्लेमेशन होती रहेगी, जलन होती रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट लीजिए इट इज मेल स्टेरिलिटी एंड फीमेल एबॉर्शन, मैं अभी बताया था आपको माइकोप्लाज्मस, ठीक है ना। बाकी जो ह्यूमन के डिजीज है या एनिमल्स के डिजीज है कि लेप्रोसी किससे हो रही है, वो किससे हो रही है, ये आपकी नॉर्मली बुक्स में मिल जाएंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ओके। सो आई थिंक आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा, मोनेरा की मैं नहीं समझता हूँ कि शायद प्रॉब्लम्स से बच के जाएंगी, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो प्रोटेस्टर लेके चलेंगे, थैंक यू।